क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह जी। और आपका? रामकिशोर। आपके दोनों लोगों की ड्यूटी कहाँ लगी थी? आलमबाग फायर स्टेशन लखनऊ में लगी थी, जहाँ जो है बाबू है प्राइवेट में रहते हैं कार्यालय में, वो रणधीर नाम है उनका। उन्होंने जो है गाड़ी साफ करने धुलने को और कार्यालय की साफ सफाई करने के लिए बोला, तो हम लोगों ने मना किया कि जो है वर्दी पहन के साफ सफाई का कार्य नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों की ड्यूटी शांति व्यवस्था के अंतर्गत दैवीय आपदाओं के लिए लगती है, या दैवीय आपदा आती, कहीं आग लगती है या कोई घटना घट जाती है, उसमें आप लोग चलेंगे तो हम लोग पूरी लगन और मेहनत के साथ कार्य करेंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि जो है ये करना पड़ता है, तो हमने कहा ये कर नहीं पाएंगे, तो कहा नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हारी अभी जो है ड्यूटी से छुट्टी करके वापस कर रहे हैं, तो हम लोगों की जो है वापस कर दिए वहाँ से। वापस कर दिए? हाँ। आपको भी वापस कर दिया गया? जी हाँ। आपसे साफ सफाई के लिए भी आपसे भी कहा गया? जी हाँ कहा गया था। अच्छा, तो आप मना करने पर आप लोगों को कहा कि आपके लिए कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं है? जी नहीं। अच्छा, आप लोग इस बात के लिए कहीं अपने जिला कार्यालय में अवगत कराया किसी से? जी, अपने जिला कमांडेंट लखनऊ महोदय को कार्यालय में पेश होकर के उनको भी अवगत कराया, तो उन्होंने कहा लिखित रूप में वहाँ से सूचना आएगी वापसी की, तो हम कहीं अन्य जगह ड्यूटी लगा देंगे, अन्यथा आप लोग एक महीने बैठना पड़ेगा। अच्छा, आपके साथ में भी यही घटना हुई? जी हाँ। अच्छा, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? अरे हम लोगों का यही चाहते हैं कि हम लोग नौकरी करते हैं वर्दी पहन के, तो सरकार की सेवा में है, हम लोगों को नुकसान हो रहा है, कहीं ड्यूटी अलग लग जाती, अनर्गल काम न लिया जाए आपसे ड्यूटी, कहीं वर्दी पहन के जो है अनैतिक कार्य लिए जाते हैं, झाड़ू पोछा जैसे, कहीं किसी अधिकारी के जाओ कोई कुत्ता टहलाने को कहता है, कहीं किसी अधिकारी के यहाँ जाओ तो वो कुछ झाड़ू पोछा के लिए करता है, ऑफिस में जाओ तो वहाँ कोई चाय मंगाता है, कोई पान मंगाता है, कोई पुड़िया मंगाता है, कोई कहता है साफ सफाई करो ना करो, तो जो हम लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, उल्टे सीधे बातें करते हैं और ड्यूटी से इसी प्रकार भगा दिए जाते हैं। तो आप इस संबंध में अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से क्या चाहते हैं? प्रदेश अध्यक्ष महोदय से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का सहयोग करें और जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और जिसमें हम लोगों को कुछ सफलता हासिल हो, हम लोगों का जो है रोजी रोटी चलते रहे ऐसे। और जो अधिकारियों के द्वारा अनर्गल कार्य कराया जाता है, नैतिक कार्य कराया जाता है, या कार्य बंद हो, जो वर्दी में रह करके उनसे झाड़ू पोछा और ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए कहा जाता है, तो यह जो है अनैतिक कार्य बंद हो। जी जी। तो अध्यक्ष जी, आप यह बताइए कि ये जो जवान जो है होमगार्ड जवान जो जिनकी ड्यूटी फायर स्टेशन में लगी हुई थी, और इनसे वहाँ अनैतिक कार्य के लिए कार्यालय की साफ सफाई और सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कार्यालय की साफ सफाई और गाड़ी धुलने के लिए इनको बाध्य किया गया, और इनके मना करने पर इन लोगों को ड्यूटी से वापस कर दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं पहले तो जन जन की आवाज़ चैनल महोदय, संपादक महोदय, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। देते हुए आप देख लीजिए कि होमगार्ड जवानों को अपना बंधुआ मजदूर मान लिया है, आज हम इस आज़ाद भारत में हैं, लेकिन हमें हम होमगार्ड जवानों को ये नहीं लगता है कि ये आज़ाद हैं, आज उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और जिनके पास अगर पावर कोई सरकार दे रखा होता तो जिस तरीके से अभी देखो ये बतलाए हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ लगती है, तो कोई कहता है कुत्ता टहलाओ, कोई कहता है बच्चों खिलाओ, कोई कहता है कि नहीं झाड़ू लगाइए और पोछा लगाइए, रसोई का खाना बनाइए, मेज पे लगाइए, टेबल पे, कोई कहता है कपड़े साफ सफाई करके प्रेस कराइए। आज देखने को मिल रहा है कि अग्नि समन आलमबाग चंदन नगर में है, वहाँ पर जो एक बाबू है वो कभी वर्दी में तो रहता नहीं, खुद अनुशासनहीनता करता है, और आज क्या नाम है उस बाबू का? रणधीर लोगों ने बताया, रणधीर बाबू कहते हैं, और वहाँ पर जब आज ड्यूटी कल लगी थी, कल अपनी ड्यूटी करके गए, आज वहाँ पर वो रणधीर बाबू जो है इन लोगों को बुला के कहा कि आप लोग क्यों नहीं साफ सफाई यहाँ किया मेरे कार्यालय पूरा कार्यालय की, और गाड़ियों की क्यों नहीं धुला, तो इन्होंने इनका जवाब था कि हम गाड़ी धुलने के लिए नहीं आए हैं, हम आपका कार्यालय सफाई करने के नहीं आए हैं,
हम जो हमारा दायित्व तो सौंपा गया सुरक्षा व्यवस्था जैसे आपदा आगजनी और महामारी और कोई वहां पर कोई अप्रिय घटना होती उसके लिए हम या कहीं आग लग जाती है तो हम पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ हमें काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात करते ये वर्दी पहन करके जो वर्दी आप पहनते वही मैं पहन रखा हूँ। वर्दी की मैं अपने ताज अपनी वर्दी की तार नहीं होने देंगे। हम ये नौकरी हम आपका ये कार्य नहीं कर पाएंगे। हम वर्दी पहन के नहीं ऐसे वर्दी निहार निकाल कर रख दें तो हम कर सकते हैं। तो कहा वर्दी निकाल दूं तो उन्होंने कहा नहीं वर्दी नहीं निकालेंगे इसी पर लगाइए। तो जिस आदमी को संविधान न मालूम हो ये और संविधान की धाराएं न मालूम हो एक्ट न मालूम हो कानून न मालूम हो तो बगैर ब्रेक की गाड़ी कही जाएगी कहीं एक्सीडेंट हो सकता। यदि शायद उनको कानून पता होता रणधीर बाबू को ओ तो उस कानून का डर लगता है उसको जान। तो ये दर्शा दिए हैं कि इनको कानून नहीं मालूम है वर्दी का रख रखाव नहीं मालूम है। वर्दी की जो वर्दी हम पहने हैं वही वर्दी वो पहन रखे हैं और आज ये जो वर्दी का सम्मान घट रहा है तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि वर्दी का खौफ खत्म और थाने में घुस के मारे जा रहे हैं पीटे जा रहे हैं। जैसा कि इन जवानों के द्वारा जो अग्निशमन केंद्र में ड्यूटी जिनकी लगी थी जिनको साफ सफाई के लिए कहा गया प्रायः देखने को मिलता है ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के साथ में होता है कि जहां अधिकारियों के द्वारा कहीं कुत्ता टहलाने को लेकर के और कहीं और कोई चीज़ें व्यक्तिगत कार्य को लेकर के सामने आती हैं। तो इस विषय में आप इन जवानों को क्या न्याय दिलाने दिलाएंगे? हमारी संज्ञान में हमारा जवान अगर मेरे कार्यालय आता है संज्ञान साक्षों के साथ संज्ञान में डालता है तो हम उसको गलत करने वाले के साथ हम कड़ाई से पेश आएंगे और अपने जवानों के न्याय हित में कार्य करेंगे और कराएंगे और न्याय इनको दिलाएंगे। अभी देखे एक जियो निकला था कई जियो सरकार से निकले हैं कि इनसे कोई ऐसा कार्य ना लिया जाए जो इस वर्दी की मर्यादा को भंग करता हो और वो अपराध में आता है और इनसे वही काम सुरक्षा व्यवस्था का लिया जाए जो जो सरकार इनको चिन्हित कर रखा है और ड्यूटी पर भेजते हैं। तो ये ड्यूटी गलत किए हैं रणधीर बाबू। तो इनके लिए हम अभी मीडिया को बता रहे हैं सरकार तक ये सूचना जाएगी। मैं अभी पत्र लिखा रहा हूँ उनके विरुद्ध उनके डीजी महानिदेशक अग्निशमन को जाएगा और अपने मुख्यमंत्री और मंत्री जी को जाएगा और गृह सचिव जाएगा और अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार साहब को जाएगा होमगार्ड उत्तर प्रदेश को और डीजी श्रीमान विजय मौर्य जी को भेजेंगे अपने विभाग के जो सबसे बड़े होमगार्ड के विभाग के हमारे DIG हैं उनको भेजा जाएगा और मंडली कमांडिंग भेजा जाएगा। इस पे हम आगे बढ़ के जाएंगे। ऐसे गलत आदमी के साथ कोई रियायत नहीं। कोई जो कानून का तोड़ता है उसका उल्लंघन किया है तो इसके साथ किसी तरह की बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। वो जो अपमानित किया है